नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पीपल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू वीडियो ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इन द पार्ट वन वी डिस्कस अबाउट द हिमालयन स्टेट्स, जहाँ पर वहाँ पर हमने नेशनल पार्क्स देखे थे। आज हम रेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल पार्क्स वी आर गोइंग टू सी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ और इवन यूपीएससी। They do ask you the questions on the national parks. Let's check out this thing. Before starting this thing, I just need to announce you people, like there is a going offer is going on in on an academy platform where we are providing you the general studies classes there. Agar aap 12 mahine ki subscription le rahe hain to usme aapko 2 mahine ki subscription free milegi, aur agar aap 24 mahine ki le rahe hain to 4 mahine ki subscription free hai. So you can get, if you are purchasing for 12 months, you are getting 14 month subscription. And you are going to get the quality classes, right? With the proper comprehensive coverage of whole of the syllabus, with the notes, with the test series, and proper one-to-one guidance. CDS IMA 2021 batch start ho raha hai 11th of August se. It's going to be a comprehensive batch. Agar kisi ne bhi join karna hai, to please kariyega is referral code ko use karke taki aapko 10% off bhi mil sake. 20% डिस्काउंट है अगर आप कॉम्बो ऑफर ले रहे हैं सी डी एस सी एफ 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 कैट की सब्सक्रिप्शन के साथ, आपको एस एस बी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, आप दोनों ले रहे हैं उसके ऊपर 20% ऑफ भी मिल रहा है, साथ में आपको 10% ऑफ मिलेगा रेफरल कोड लगाने से। ओ टी ए का भी बैच 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर योर सी डी एस एंड सी एफ एफ एग्जामिनेशन। लेट्स नाउ चेक आउट द नेशनल पार्क्स जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है जी। सबसे पहले है ऊपर न्योरा नेशनल पार्क, दार्जिलिंग की तरफ है न्योरा। फिर हमारे वेस्ट बंगाल में है बक्सा, एंड देन वी हैव इज सुंदरबंस। तो ये तीन याद रखिएगा, न्योरा, बक्सा एंड सुंदरबंस। आई होप यू पीपल रिकॉल दीज नेशनल पार्क्स, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में ये तीन। नेक्स्ट जी बिहार में वी हैव वाल्मीकि नेशनल पार्क, इन बिहार वी हैव वाल्मीकि नेशनल पार्क। इन झारखंड वी हैव वन इज बेटला एंड अदर इज हजारीबाग। ये काफी फेमस जगह आपको पता ही है हजारीबाग। तो वन इज बेटला नेशनल पार्क एंड अदर इज हजारीबाग। अगला जी उड़ीसा में हमारे है सिमलीपाल नेशनल पार्क और नीचे भीतरकनिका, जहां पर बार बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में ऑलिव रेडली टर्टल्स आर फाउंड, तो ये भी याद रखिए। एक और याद रखिएगा सोना बेदा, एस यू एन ए बी ए डी ई, ये भी याद रखिएगा उड़ीसा में है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। इन आंध्र प्रदेश पापी कोंडालू नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क्स हैं आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में आपको चेक करना पड़ेगा गिंडी नेशनल पार्क, मधुमलाई, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है जी, देन मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसको आप अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, एंड देन वी हैव इज गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क्स याद रखिएगा तमिलनाडु में गिंडी, देन वी हैव इज अनदर वन दिस मधुमलाई, नीलगिरीज, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इफ वी टॉक अबाउट द केरला स्टेट, वी हैव साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला में काफ़ी फेमस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जी। पेरियार काफ़ी फेमस रिवर भी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इराविकुलम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनामुडी शोला नेशनल पार्क, शोला फॉरेस्ट, शोला ग्रासलैंड्स आर फेमस इन केरला। रिमेंबर ऑल दीज फोर नेशनल पार्क्स विच आर इन केरला, इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें तो दोस्त कर्नाटका में वी हैव कुद्रेमुख, कुद्रेमुख आपको पता आयरन की माइन है, कुद्रे का मतलब है हॉर्स माउथ। राजीव गांधी नागर होल काफ़ी फेमस है यहाँ पर। बांदीपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और याद रख सकते हैं बनेर घटा,
बनेर घटा, दंडेली अंशी। तो दीज आर नेशनल पार्क्स विच आर इन कर्नाटका। गोवा में अगर बात करें तो महावीर, भगवान महावीर मॉलेम नेशनल पार्क याद रखिएगा, गोवा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेमस नेशनल पार्क इन गोवा इज भगवान महावीर, जिसका नाम है मॉलेम नेशनल पार्क। अब आता है महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है, इन पे भी फोकस करें। गुगामल, तडोबा, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवे गांव, चंडोली, दीज आर द नेशनल पार्क्स विच आर इन महाराष्ट्र। पांच नेशनल पार्क्स हैं जी, गुगामल, तडोबा, संजय गांधी, नवे गांव, चंडोली नेशनल पार्क। अब अगर बात करें गुजरात में, वंसदा वेरी इंपॉर्टेंट, गिर आपको पता ही है लायन के लिए फेमस है। देन वी हैव इज मेराइन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। राजस्थान के काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले केवला देव आपको याद होना चाहिए, काफी फेमस है ये, कई बारी पूछा जाता है। सरिस्का डेजर्ट स्टेट है तो ये भी, रणथंबोर भी पता ही है, माउंट आबू भी, मुकुंद्रा इज अ न्यू वन विच यू कैन रिमेम्बर। हरियाणा में एसएच कालेसर और सुल्तानपुर इज द नेशनल पार्क, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश में दुधवा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में काफी है जी, माधव पेंच भी है यहाँ पर और कान्हा भी है। माधव, माधव और पेंच, ये जो कान्हा कृष्ण जी का नाम, फिर पेंच है, पन्ना आपको पता, डायमंड माइन भी है। संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, ऑल आर इन मध्य प्रदेश। अगेन दीज आर ऑल्सो देयर इन मध्य प्रदेश इटसेल्फ। बांधवगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, मांडला, देन पेंच, सतपुरा नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क, जो कि हमने यूपी में पढ़ा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ एंड इंद्रावती नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, ये दोनों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, मरुगवानी नेशनल पार्क है जी यहाँ पर, और दूसरा कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क इन तेलंगाना। तो ये थे जी नेशनल पार्क विच वी डिस्कस हेयर। आई होप यू पीपल कैन रिकॉल, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर से एक बारी लिखवाना चाहूँगा, सुनते रहिए। बनेर घटा कर्नाटका में, बांदीपुर कर्नाटका में याद रखिएगा, नागर होल ये भी इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कर्नाटका के नेशनल पार्क याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट। केरला में साइलेंट वैली पक्का याद रखना आपने, साइलेंट वैली, बाकी पेरियर आपको याद रहेगा, नॉट मच इम्पोर्टेंट, ये पक्का। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, ये इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखने। तो तकरीबन इन कर्नाटका और राजस्थान का पक्का याद रखना, केवला देव, ये सारे हमने जो डिस्कस किए, बांदीपुर, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए नेशनल पार्क्स। वेस्ट बंगाल के सारे नेशनल पार्क नोट डाउन करिए, और असम के मैंने कल भी आपको करवाए थे वो भी जरूर फोकस करें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ सीएपीएफ एंड सीडीएस, गॉट इट। अब थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आप में से किसी ने भी अनअकैडमी को इंस्टॉल करना है, यू कैन गो टू गूगल बिजनेस, गूगल दिस बिजनेस कह रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर, वहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप, या ऐप स्टोर पे आईफोन में, तो वहां पर इफ यू परचेज दिस, यू गो टू सी डी एस सी एफ 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 कैट चूज करेंगे, तो वहां पर यू कैन फॉलो मी इन द नेम श्री प्रतीक देयर, वहां पर इस कैटेगरी को चूज करेंगे, सी डी एस एफ कैट सी एफ एफ, एंड देन यू कैन परचेज अ सब्सक्रिप्शन। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको 9680 की पड़ रही है, एंड इफ यू यूज द रेफरल कोड यू विल गेट 10% ऑफ, एंड द रेफरल कोड इज प्रतीक तक्षशिला। तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिनको भी अनअकैडमी ज्वाइन करना है, यू आर गोइंग टू गेट अ क्वालिटी क्लासेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इन द नेम श्री प्रतीक एट द रेट अनअकैडमी डिफेंस।
तो ये था जी आज का सेशन ऑन द नेशनल पार्क्स. वी हैव कंप्लीटेड द नेशनल पार्क्स. आई होप यू पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज नेशनल पार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ एफ कैट, सी डी एस एंड सी एफ एफ. तो थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.